गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का सेक्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत हम सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने इसके शिक्षा आयोग के द्वारा सेवारत कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए जो कुछ सुझाव दिए थे उनके बारे में अध्ययन किया था कि ये सुझाव कौन से हैं, कि किस तरह से सेवारत कार्यक्रम को प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके अनुसार जैसे हमने कल देखा था कि विश्वविद्यालयों को इसके लिए इंसेंटिव लेना होगा, विश्वविद्यालयों को इसका उत्तरदायित्व उठाना होगा, क्योंकि यह एक माध्यमिक मतलब ये कहा जाए कि उच्च शिक्षा से संबंध रखना है, इसीलिए विश्वविद्यालयों में इससे संबंधित व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को इसके लिए उत्तरदायित्व या उनमें ये कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिए और चलाया ही जाना है प्रभावी आकर्षक तरीके से चलाया जाना चाहिए। शिक्षकों को स्वतः प्रेरित करने की इस तरह की नीतियां बनाई जाए कि मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाई जाए जिससे कि शिक्षक स्वतः ही प्रेरित हो सके, उन्हें जोर जबरदस्ती या यूं कहा जाए कि बल पूर्वक दबाव पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मजबूर न किया जाए, बल्कि उन्हें खुद प्रशिक्षण अपने या यूं कहा जाए कि जो कुछ उन्होंने अब तक सीखा है उसमें और जो नवीन विधि प्रविधि सूचनाएं या जो नवीनता आई है उसको जानने की उत्सुकता उनमें बनी रहे, और यही उत्सुकता बनी रहेगी, जिज्ञासा रहेगी, तभी वे सेवा शिक्षा कार्यक्रम के प्रति स्वेच्छा से आगे बढ़ेंगे। फिर वहीं पर जो 5 साल का जो एक मतलब ये कहा जाए कि इनके विकास के लिए यूँ कहा जाए कि निरंतर रूप से विकास बना रहे शिक्षकों का, इसके लिए अनिवार्य है कि हर 5 साल में इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, जो कि 1 या 2 दिन या 4 दिन की ना हो बल्कि 2 से 3 महीने की हो, जिसके अंतर्गत ये नहीं है कि किसी विशेष केंद्र पर जाकर ही प्रशिक्षण प्राप्त करना है, बाकी विद्यालय समय के दौरान ही उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने का संपूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सुझाव थे जो कि शिक्षा आयोग के द्वारा दिए गए थे और उसके आधार पर ये कहा जाए कि कुछ प्लानिंग हो भी रही है, उसमें और भी होना चाहिए। आगे और हम इससे संबंधित बात करते हैं कि अन्य सुझाव जो एक सामान्य रूप में बात करते हैं, तो कल तो हमने देखे थे वह शिक्षा आयोग के सुझाव, ठीक है ना, आज हम देखते हैं कि अन्य जो सामान्य सुझाव है वो कौन से हो सकते हैं। क्योंकि इसमें किस तरह से निरीक्षण करता है
तभी उसे सही ढंग से कहना चाहिए कि बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के, जब वह एक कहना चाहिए बिना किसी पक्षपात के जब वह निरीक्षण करता है, उसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह नहीं होता है और तब वह ये समझ पाता है कि क्या किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की आवश्यकता नहीं है। जब हम निश्चल उससे निरीक्षण करते हैं तो निश्चित है कि हम सही चीज को समझ पाते हैं। अब निरीक्षण करता जब सही चीज को समझकर और सामने रखता है तो प्लानिंग बनाने में सबको आसानी होती है कि किस चीज की आवश्यकता अधिक है, तो जो हमारी योजना बनाई जाए वह उसी पर निर्भर होती है। और जब योजना उसी के अनुकूल बनाई जाती है तो निश्चित है कि जो आवश्यकता हमें महसूस हुई है उस आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है। इसीलिए आवश्यक है कि जब हम निरीक्षकों की जो है भूमिका वो इतनी प्रभावी और इतनी ईमानदारी से भरी भी होनी चाहिए कि वह सही सूचना योजना निर्माणकर्ताओं तक पहुंचाए, प्लस जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी शिक्षकों के विकास की, शिक्षकों की जो रुचि है, उनकी योग्यताएं हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको सही ढंग से समझकर और सही दिशा में उनको निरीक्षण प्रदान कर सके, उनको दिशा निर्देश प्रदान कर सके। क्योंकि निरीक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वह सही ढंग से निरीक्षण करे, दूसरा वह प्रशिक्षित होना चाहिए। और प्रशिक्षित अगर होता है तो निश्चित है कि उसे खुद को भी अगर बहुत ज्ञान नहीं होगा तो वह बालकों को नहीं सेवा अध्यापकों को प्रशिक्षण में उतना सहयोग नहीं कर पाएगा जितनी की उससे अपेक्षा की जाती है। इसीलिए निरीक्षकों की जो भूमिका है वह भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, निरीक्षण के दृष्टिकोण से भी और दिशा निर्देश प्रदान करने के भी दृष्टिकोण से और योजना निर्माण के दृष्टिकोण से। फिर बाद में आता है विभिन्न एजेंसियों का सहयोग। विभिन्न एजेंसियों का सहयोग, विभिन्न एजेंसियों का सहयोग, क्योंकि एजेंसियां जो हैं, जो इस प्रशिक्षण कार्य को आयोजित करनी है कर सकती हैं, उन सबको का जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए। यानी कि एजेंसियों को तैयार किया जाए, वह संसाधनों को जुटाना, योजनाओं का निर्माण करना, संसाधन उपलब्ध कराना, कहाँ से तो संसाधनों का निर्माण है, इनकी उपलब्धता कहाँ से, किस तरह से मिडवेयर जो है कम दाम में हमको आसानी से उपलब्ध हो सकती है, ये एक तरह की जो बहुत सारी योजनाएं हैं या बहुत सारी सूचनाएं हैं वो एकत्रित करके और अध्यापकों तक पहुँचा सकती है। यहाँ पर अनिवार्य है कि प्रशिक्षण कार्य के दौरान बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है तो एजेंसियों का सहयोग किया जाए, जिससे कि कुछ एजेंसियां प्रशिक्षण कार्यों में सहयोग, खुद प्रशिक्षण करवाने में सहयोग करें, कुछ एजेंसियां हैं संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें, कुछ एजेंसियां हैं जो अन्य जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान करें। तो कहने का मतलब है कि जितनी संभव एजेंसियाँ हैं जो इस कार्य को बहुत सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं उनका सहयोग लिया जाना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं कि भाई विश्वविद्यालय पर इसका उत्तरदायित्व है या अमुक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय महाविद्यालय पर इसका उत्तरदायित्व है या शिक्षा विभाग के अमुक विभाग का एक उत्तरदायित्व है तो अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात तो, लेकिन उनमें जैसे कहा कि कराटे सीखना है, अब यहाँ पर कौन कराटे सिखाएगा? अगर आज शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में कहा जाता है कि आपको शिक्षकों को कराटे सिखाना है तो यहाँ पर अगर कोई व्याख्याता होगा जो कराटे आते होंगे या उससे सब प्रशिक्षण का कार्य करता है या प्रशिक्षक होगा वही करा सकेगा। तो ऐसे में बेहतर यह होगा कि जो कराटे सिखाने वाली संस्थाएं हैं, एजेंसी हैं, उससे संपर्क करें, जैसा कि अभी सरकार ने किया था। तो वो उस एजेंसी से संपर्क किया, एजेंसी में है तो सभी विद्यालयों में कराटे प्रशिक्षण कार्य का प्रारंभ किया था और सभी को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया था। तो
यही एक है कि कारण है कि जिस भी प्रक्षेत्र में हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं या शिक्षकों के विकास में नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि विश्वविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय या शिक्षा विभाग में जो प्रशिक्षक हैं वो उस कार्य में निपुण हो। तो निश्चित है कि जब उस कार्य में वे निपुण नहीं है तो वे किसी अन्य एजेंसी का सहयोग लेंगे जो उस कार्य को करने में सक्षम होगा, जैसे कंप्यूटर का है। तो निश्चित है कि जब शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया था सभी शिक्षकों को कंप्यूटर का जो एक बेसिक जो कोर्स बना प्रारंभ किया गया था और सभी के लिए 2 महीने का वो कोर्स था अनिवार्य था, तो निश्चित है कि ना तो शिक्षा विभाग उसको कर सकता था ना ही कोई अन्य संस्था। तो जो कंप्यूटर एजेंसीज है यानी कि वे एजेंसीज जो कि कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं कंप्यूटर सेंटर्स, उन लोगों ने इस कार्य को पूर्ण किया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रशिक्षण के लिए हमें विभिन्न प्रकार की एजेंसियों का सहयोग लेना चाहिए, तभी एक जो सेवा शिक्षा कार्यक्रम है उसको सफल और प्रभावी बनाया जा सकता है, गुणात्मक परिणामों के लिए तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट इसमें आगे वह है सुनियोजित कार्यक्रम। प्रशिक्षित हो, दूसरा विशेष योग्यता रखता हूं,
स्वयं प्रतिभा को और विशेष योग्यता रखता हो तभी यह सब संभव है, अन्यथा नहीं। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है वह है अनुवर्ती कार्य। उसको आपस में शेयर करके और उस विषय के विकास में
शिक्षक अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए एक विषयगत शिक्षक संघ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। फिर बाद में है विषय विशेषज्ञ। विषय विशेषज्ञ, यहाँ पर विषय का विशेषज्ञ होना भी अनिवार्य है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ कहा था कि जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षार्थी व्यक्ति है मानव संसाधन जिसको कहा गया है, उसका विषय में सक्षम या योग्यता होनी अनिवार्य। अगर उसी में योग्यता नहीं है तो वो उस विषय से संबंधित प्रशिक्षण शिक्षकों को नहीं प्रदान कर सकेगा। इसीलिए अनिवार्य है कि शिक्षकों का एक जो प्रशिक्षण करता है या जो जिसे भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए उसे विषय विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है। अर्थात सेवा शैक्षिक कार्यक्रम को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं, इन सुझावों का हमें पालन करना अनिवार्य है। अगर हम इनका पालन करते हैं, इन सुझावों के आधार पर अगर योजना का निर्माण करते हैं, तो ये जो कार्यक्रम जिस उद्देश्य से बनाया गया है, बनाया जाता है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। जैसे कि इस समय जो वैश्विक महामारी के दौरान में सभी विद्यालय बंद हैं, ऑनलाइन टीचिंग का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये एक मेरा अनुभव था। तो मैंने कुछ सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्य को देखा कि निरंतर उनके जो है ना, ये कहा जाए कि निरंतर रूप से उनके मोबाइल्स पे या उनके डिवाइसेस के ऊपर शिक्षा विभाग की तरफ से छोटी छोटी जो टीचिंग मैथड्स की जो छोटी छोटी वीडियोज हैं वो छोटे बच्चों के लिए, यानी कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चों के लिए, ये किस तरह से टीचर या शिक्षा का कार्य कर सकता है, बच्चों के लिए रोचक प्रक्रिया को अपना सकता है। तो निश्चित है कि फिलहाल तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम के उद्देश्य से सिखाया जा रहा था, लेकिन अगर शिक्षक वास्तविक रूप से अपने दैनिक जीवन में, दैनिक शिक्षण कार्य के दौरान इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाता है, तो निश्चित है कि वह शिक्षक के लिए बहुत सफलता का कारण बनती है या बालकों के शिक्षा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है या बालकों को शिक्षा अर्जित करने में बहुत बड़ा मतलब रोचक जो विधि है वह बन सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम है उनके माध्यम से शिक्षकों को बहुत सारे नए तरीकों को सीखने का अवसर मिलता है। और सबसे बड़ा अनुभव जो कहा जाए कि ये पिछले 8 महीनों से हम सभी शिक्षकों को सीखने का अवसर मिला या देखना या ज्ञान को समझने का अवसर मिला, एक नया प्रशिक्षण, नया अनुभव था। अगर ये प्रशिक्षण हमें प्राप्त नहीं होता या शिक्षकों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया है यह भी एक नई प्रक्रिया थी, किसी भी शिक्षक के द्वारा इसे उपयोग में नहीं लाया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के युवा जो शिक्षक है वे इस जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है इनसे ये परिचित हैं, इनका उपयोग करना उन्हें आता है, लेकिन जो वृद्ध हो चुके हैं या कहा जाए कि हम जैसे लोग जिन्होंने कभी इन डिवाइसेस को शुरू से यूज़ नहीं किया, तो उनके लिए इन्हें समझना, इनका इन डिवाइसेस का उपयोग करना थोड़ा सा कठिन था, मुश्किल था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे इस बात से संबंधित सीखा गया, हमने धीरे धीरे भले चाहे डरते हुए कि कहीं से तो इसका प्रशिक्षण कार्य बकायदा आयोजित किया गया, कई संस्थाओं में डायरेक्ट शिक्षकों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप खुद करो, वहाँ प्रशिक्षक अपने आप, क्योंकि प्रशिक्षण करता वहाँ नहीं था उनके लिए, लेकिन इंटरनेट पर बहुत सारे प्रशिक्षण करता थे जिनकी वीडियोस वहाँ पर अपलोड थी, उन वीडियोस को देखकर शिक्षकों ने अपना खुद का प्रशिक्षण कार्य संपन्न किया। अगर ये ऐसा नहीं करते तो निश्चित है ये सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम की बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर शिक्षक ऐसा नहीं करते तो निश्चित है कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया इस समय बाधित होती और जो एक भय है वो आज भी हालांकि बना हुआ है कि पूरा 1 साल का गैप बच्चों का हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में और फिजिकली अटेंडेंस में बहुत अंतर होता है। जो एक वातावरण ऑनलाइन में और एक फिजिकली अटेंडेंस में जो वातावरण में अंतर होता है वह उसमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। तो एक जो मोटिवेशन है वह बालकों को नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी
एग्जाम्पल है। इसी तरह विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों के जो सुझाव है वो तीन। आज का हमारा जो होमवर्क होगा सेवारत शैक्षिक कार्यक्रमों के, सेवारत अध्यापक शिक्षा के, सेवारत अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए क्या सुझाव दिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।